हेलो दोस्तों स्टडी विद कॉन्सेप्ट के जिस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है तो आज हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर को सोशल इश्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है और आर्ट एंड कल्चर से आप सभी को पता है कि मूर्तियाँ हो मंदिर है स्थापत्य मंद, मंद, मंदिर की विशेषता क्या है मंदिर है कहाँ पर आ, किस धर्म से वो संबंधित है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं चाहे वो यू का एग्जाम हो या फिर यू का तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले शांति निकेतन को तो शांति निकेतन करंट्स में क्यों रहा था क्योंकि इसको यूनेस्को के द्वारा द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है तो यहाँ पर देखिए शांति निकेतन भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है तो पहले तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि ये इकतालीसवाँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है तो पहला ये आपको ध्यान रखना है अगर हम इसको अच्छे से समझें कि ये कहाँ पर है क्या चीज़ है तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि यह पश्चिम बंगाल का तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर है ध्यान रखेंगे तीसरा है ये ठीक है इससे पहले यदि हम बात करें दो जो विश्व धरोहर थे वो था पहला सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे ये तीनों आपको ध्यान में रखना है इसे आकार देने में रविन्द्र टैगोर के साथ साथ सुरेंद्र कर सुरेंद्र कर, नंदलाल बोस पैट्रिक और आर्थर गेडेस की अहम भूमिका थी तो ये नाम ना ऐसे पूछ लेता है इसमें किस किसकी किसकी भूमिका थी तो इन तीनों लोगों का नाम जो है रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा आपको ध्यान में रखना है एक तो सुरेंद्र का नंदलाल का और पैट्रिक चार हैं सॉरी पैट्रिक और आर्थर का इन चारों लोगों का नाम आपको ध्यान में रखना है अभी तक तो आप लोग जान रहे होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी लेकिन ऐसी बात नहीं है यदि आपको देता है कि जो शांति निकेतन है उसकी स्थापना में सुरेंद्र नंदलाल बोस पैट्रिक और आर्थर गेंटसे की भी अहम भूमिका थी तो वो स्टेटमेंट आपका सही होगा अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने शांति निकेतन को यूनेस्को में शामिल करने की सिफारिश की थी तो जाहिर सी बात है अब स्मारक स्थल परिषद यही करेगा तो इसको छोड़ देना है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के बारे में यदि हम देखें तो इसे 1965 में स्थापित किया गया था ऐतिहासिक इमारतों के वास्तुकारों और विशेषज्ञों की दूसरी बैठक कांग्रेस का एक परिणाम है यह बैठक उन्नीस में बेनिस में आयोजित हुई थी तो देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है किसने किसने सहयोग किया ठीक है कौन से नंबर का ये यूनेस्को विश्व धरोहर है और यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको दूसरा इसको कर लीजिए और तीसरा इसको कर लीजिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस इसे गो थ्रू होकर के निकल जाइएगा विश्व विरासत स्थलों के बारे में यदि हम देखें तो ये यूने ये ये स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध धरोहर स्थल होते हैं ये स्थल उन्नीस के विश्व विरासत कन्वेंशन के तहत उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थल के रूप में चिन्हित होते हैं इन स्थलों को तीन श्रेणियों यानी सांस्कृतिक प्राकृतिक और मिश्रित के तहत चुना जाता है यानी जो विश्व विरासत स्थल होते हैं ठीक है ठीके? इन स्थलों को किसके तहत चुना जाता है तो पहला वो सांस्कृतिक हो दूसरा प्राकृतिक हो तीसरा मिश्रित हो ये तीन मापदंड होते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भारत में बयालीस विश्व धरोहर स्थल हैं इसमें से चौंतीस जो है वो सांस्कृतिक हैं सात प्राकृतिक है और एक मिश्रित है तो ये क्वेश्चन पूछा भी था मिश्रित वाला ये पी वाई क्यू है इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दीजिएगा क्योंकि ये पहले पूछ चुका है क्वेश्चन डब्ल्यू एच एस को यानी विश्व विरासत स्थल को सदस्य देशों द्वारा सौंपी गई अस्थायी सूची के आधार पर नामांकित किया जाता है स्थायी नहीं अस्थायी सूची के आधार पर विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए किसी स्थल को चयन संबंधी दस मानदंडों में से एक को पूरा करना होता है यानी दसों का दसों नहीं पूरा करना होगा दस मानदंड दिए होंगे और उन दसों में से किसी एक को यदि वो पूरा करता है तो विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाएगा ठीक है फिर ये छोड़ देना है शांति निकेतन के बारे में यदि हम देखें तो अवस्थिति हमने देखी लिया पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है कहाँ पर है बीरभूम ज़िले में तो ये ध्यान रखेंगे मैपिंग वाले जो हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं ये देखिए एग्जैक्ट लोकेशन इसका दिया हुआ है यदि शांति निकेतन के बारे में कभी पूछता भी है मैपिंग में दर्शाने के लिए तो आप बता दीजिएगा कि ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है यहीं पर आपका एक नंबर बन जाएगा शांति निकेतन ने भारत की प्राचीन मध्यकालीन और लोक परंपराओं के साथ जापानी चीनी फारसी बाली बर्मी तथा डेको कला शैलियों डेको कला शैली क्या होता है पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्मिलित रूप होता है को भी अपनाया है यानी सम्मिलित शैलियों का रूप होता है ये जो डेको शैली है डेको कला शैली तो पहले तो इसी को ध्यान रखिएगा कि डेको कला शैली है क्या तो ये पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की शैली है ठीक है और शांति निकेतन ने भारत के प्राचीन मध्यकालीन सभी परंपराओं को अपनाया है इसमें जापानी चीनी फारसी बाली वर्मी सभी इसमें शामिल हैं ठीक है चौथा आपका ये हो गया फिर इसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि शांति निकेतन है तो यह कला की संपूर्ण कृति का एक विशिष्ट भारतीय उदाहरण है यहाँ जीवन शिक्षा कार्य कला अपने स्थानीय एवं वैश्विक रूपों के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है स्थापना की यदि हम बात करें शांति निकेतन की तो उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में महर्षि देवेंद्र टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता ने इसकी स्थापना की थी ध्यान रखिएगा यानी हुआ क्या था कि यहाँ पर मृदा अपर्दन के कारण कुछ क्षेत्र बंजर भूमि में बदल गए थे तो यहाँ पर जो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर थे उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की कब किया था इन्होंने आश्रम की स्थापना तो ये किए थे अट्ठारह में एक बार गूगल कर लीजिएगा ठीक है अट्ठारह में सात एकड़ की जमीन पर सात एकड़ की जमीन पर एक आश्रम की स्थापना किए आश्रम की स्थापना किए और बाद में 1901 में आगे जा के रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में पांच छात्रों को लेकर के यहाँ एक स्कूल खोले यहाँ एक स्कूल खोले शांति निकेतन के नाम से ठीक है अब ये जो बंजर भूमि थी जो बंजर भूमि है वो सिंहभूत क्षेत्र में इसे खोई कहा जाता है शब्दालि ध्यान रखेंगे खोई और पिछले साल में कोई पूछा था कोई क्या है तो जनजातियों का भाषा था कोई का मतलब कुआं था तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है कि दे देगा कि निम्नलिखित में से खोई क्या है तो खोई जो है आपका वो बंजर भूमि है और इस कहाँ का स्थानिक भाषा है तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का ये चीज़ ध्यान में रखेंगे शांति निकेतन दो तरफ से अजय और कोपाई नदियों से घिरा हुआ है अजय और कोपाई ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके बाद से प्रमुख स्थापत्य और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में देखें तो समग्र रूप से कांच का मंदिर शांति निकेतन परिषद में बनी प्रथम संरचना थी यानी कांच की भी मंदिर मंदिर शांति निकेतन परिसर में स्थित है यह मंदिर किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है ध्यान रखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि यह मंदिर किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है स्थानीय स्थापत्य शैली भवन निर्माण सामग्री की यदि हम बात करें तो भवन निर्माण में मिट्टी घास फूस जैसी पारंपरिक सामग्री तथा सीमेंट कंक्रीट का यूज किया गया है सजावट में यदि हम बात करें तो दीवारों पर प्रमुख भारतीय कलाकारों के द्वारा भित्ति चित्रकला फ्रेस्को विधि से बने चित्र और मूर्तियों से सुसज्जित है कालोबारी की दीवारें और गलियारे भरहूत महाबलीपुरम मोहनजोदड़ो मिश्र व असीरियन रूपांकनों से अलंकृत है तो देखिए कोई भी चीज़ आ जाए ना जैसे ये इसमें ये बने हैं चित्र बना है ये बना तो सब लगा करके चले जाएगा ऐसे मौसम सही ही होता है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के अधीन यदि हम शांति निकेतन की बात करें तो वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की तो ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना किसने की थी तो ये किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर यह तपोवन और गुरुकुल जैसे प्राचीन वैदिक परंपराओं से प्रेरित था तपोवन और गुरुकुल यानी शिक्षा वहाँ पर दी जाती तो जाहिर सी बात है गुरुकुल तपोवन से संबंधित होगा इसमें वृक्षों की छाया के नीचे खुली हवा में कक्षाएँ आयोजित की जाती थी इस आश्रम को 1925 में पाठ भवन के नाम से भी जाना जाने लगा था अब ये नीचे खुली हवा वो क्या है ना स्कूल जाना ज़्यादा वो पसंद नहीं करते थे उनको स्कूल में बैठना घुटन से ही महसूस होता था, तो उनको लगता था कि एक जो बच्चे हैं उनको प्रकृति के साथ जोड़ करके पढ़ाए जाने की आवश्यकता है उन्हें खुले में पढ़ाए जाने के असर ताकि वो प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस कर सके स्वतंत्र हों इसलिए इन्होंने शांति निकेतन की के स्थापना की थी ये मेंस के हिसाब से आप देखेंगे गांधी जी और टैगोर के बारे में पूछा भी है क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा ठीक है फिर ये छोड़ दीजिएगा ये ये छोड़ दीजिएगा दो लाइन ये ध्यान रखिएगा कि उन्नीस में पाठ भवन के नाम से जाना जाने लगा था इसको उसके बाद सीधा यहाँ आइए The蓋시에, 1921 में विश्व भारती नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई इसी शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की भी स्थापना इसी शांति निकेतन में की गई थी और विश्वविद्यालय की भी स्थापना इसी शांति निकेतन में की गई थी उन्नीस में विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल गया रविंद्रनाथ टैगोर इसके पहले कुलपति बने तो आप देख सकते हैं कि पाँच बच्चों से लेकर के स्टार्ट किया हुआ एक छोटा सा आश्रम क्या बन गया केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया तो बहुत अच्छी बात है तो इसलिए हमेशा लाइफ में रिस्क लेना चाहिए आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए अब जब ज़बरदस्ती सपनों को पूरा करने में मत लग गए तो यहाँ पर देखिए इनको पसंद नहीं था स्कूल में मतलब चार दीवारी के अंदर पढ़ना इन्होंने निकल करके उस अपने पैशन को क्या किया एक अलग रूप दिया प्रकृति से जुड़ाव को बच्चों को महसूस करवाया और धीरे धीरे करके देखिए कहाँ पर आ गया ये अन्य संबंधित सुर्खियों की यदि हम बात करें तो बांग्लार माटी आप सभी को पता है कि ये पश्चिम बंगाल का राज्य गान है पश्चिम बंगाल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राज राज्य गान घोषित किया पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पोइला बैसाख को राज्य दिवस के रूप में मनाने का भी प्रस्ताव पारित किया तो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से पोला बैसाख कहाँ का राज्य दिवस है तो यह है आपका पश्चिम बंगाल का यह बंगाली कैलेंडर के पहले दिन यानी पंद्रह अप्रैल को पड़ता है यदि यह गीत यह गीत बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किए गए बंग भंग आंदोलन के दौरान लिखा गया था यह गीत रक्षाबंधन के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देता है टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला की भी रचना की थी यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है इसे देखने की जरूरत नहीं है अमार सुनार बांग्ला तो आप सभी को पता ही होगा तो जो जो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई है वही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये तो कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है अलग अलग संस्कृतियों के स्थापत्य कला के मुख्य तत्व की यदि हम बात करें तो चीन गुहा घर की गोलाकार खिड़की जापान कास्टकृतियाँ छोड़ दीजिएगा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अब देखते हैं पवित्र होयसल मंदिर समूह के बारे में ये चिन्ना केसव मंदिर है तो ये भी काफ़ी हाईलाइटेड रहा है और इम्पॉर्टेंट भी है हाल ही में यूनेस्को ने कर्नाटक के पवित्र होयसल मंदिर समूह को भारत का बयालीसवाँ विश्व धरोहर घोषित किया है तो देखिए अब क्वेश्चन ना कई तरीके से आपका बन सकता है ये है आपका बयालीसवाँ और यहाँ पर है आपका इकतालीसवाँ तो ऐसे कर देगा कि विश्व शांति निकेतन को हाल ही में हाल ही में इकतालीस बयालीसवाँ विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और इसको कर देगा जो कर्नाटक का होयसल मंदिर समूह है इसको कर देगा इकतालीसवाँ तो इस चीज़ से आपको बचना है अगर हम अन्य संबंधित तथ्य देखें पवित्र होयसल मंदिर के बारे में तो ये जो पवित्र होयसल मंदिर समूह है, है ये समूह की बात किया ना इसमें तो इसमें तीन मंदिर शामिल हैं पहला है छिन्ना केशव मंदिर कहाँ पर है बेलूर में होयसल मंदिर हलीवेडू में है केशव मंदिर सोमनाथपुरा में है तो केवल एक जोड़ी सही केवल दो जोड़ी सही वाला ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि तीनों चीज़ें एक साथ है और इन समूहों को किस में रखा गया है यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में होयसल मंदिर कर्नाटक का चौथा विश्व धरोहर है ये कर्नाटक का चौथा है अन्य की यदि हम बात करें तीन का तो पहला है हम्पी हम्पी आप सभी को पता है पदकल और पश्चिमी घाट ये तीन पहले से शामिल है चौथा ये है और विश्व शांति निकेतन कौन था तीसरा था ध्यान रखेंगे क्योंकि पहला क्या था सुंदरवन और चौथा था दार्जिलिंग रेलवे ऐसे करके था ना ऊपर अभी हम हम पढ़ के आए हैं तो यहाँ पर भी ध्यान रखना ये चौथा है और वो तीसरा था होयसल मंदिर और उनकी अनूठी विशेषताओं के बारे में देखें तो चिन्ना केशव मंदिर इसे बीज विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं तो किसे चिन्ना केशव मंदिर को विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं निर्माणकर्ता की यदि हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण ग्यारह सौ सत्रह ईस्वी में बेलूर क्षेत्र में राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था अब देखिए इम्पोर्टेंट है ये ये जो चिन्ना केशव मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था तो विष्णुवर्धन ने देखिए ऐसा ध्यान रखिएगा जो केशव है वो भगवान श्री कृष्ण का नाम है और केशव यहाँ पर देखिए विष्णु तो विष्णु विष्णु क्या है भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं तो ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा यदि यगची नदी यह मंदिर यगची नदी के तट पर अवस्थित है तो किस नदी के तट पर अवस्थित है तो ये यगची नदी के तट पर अवस्थित है देवताओं की यदि हम बात करें तो यह एक एक कोट यानी एक देवालय वाला मंदिर है इस इसके गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है शिव की नहीं है चिन्ना केशव केशव क्या है केशव भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं इसलिए यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति स्थापित है ना कि विष्णु की कर देगा विष्णु की नहीं कृष्ण की यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जो चिन्ना केशव के नाम से भी लोकप्रिय हैं यहाँ चिन्ना का अर्थ है सुंदर और केशव विष्णु का ये अन्य नाम है अगर आप कोई भी चीज़ सीरियल वगैरह देखे होंगे राधा कृष्ण वाला तो इस नाम का जिक्र जरूर हुआ है यह मंदिर वर्तमान में भी श्रद्धालुओं के लिए खुला है तो ये सब छोड़ दीजिए जाहिर सी बात है मंदिर है तो खुला ही होगा अब देखते हैं होयसलेश्वर मंदिर के बारे में इसका निर्माण कब हुआ था ग्यारह ईस्वी में हलीवेडू ज़िले में बनाया गया था हलीवेडू यानी हासन ज़िले में बनाया गया था राजा विष्णुवर्धन ने इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यानी यहाँ भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं तो देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ ऑर्डर आपसे पूछ सकता है किसका इसका निर्माण कब हुआ है ग्यारह सौ सत्रह में इसका निर्माण कब होगा ग्यारह सौ इक्कीस में अभी नीचे भी आएगा ठीक है उसको भी हम देखेंगे यह मंदिर द्वार समुद्र झील के तट पर अवस्थित है द्वार समुद्र झील के तट पर अवस्थित है देवता की यदि हम बात करें तो होए सलेश्वर में नटराज के रूप में भगवान शिव का मूर्ति है ध्यान रखेंगे होए सलेश्वर में शिव का मूर्ति है चन्ना केशव में भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति है शिव का यह रूप संहार के देवता के रूप में विख्यात है केशव मंदिर इसका निर्माण होयसल राजा नरसिंह तृतीय ने करवाया था अब चिन्ना केशव और केसर मंदिर में बहुत बहुत कम अंतर है चिन्ना केशव विष्णुवर्धन ने करवाया था और यहाँ पर देखा ओनली केशव है तो किसने करवाया था नरसिंह तृतीय ने ध्यान रखेंगे तृतीय है इनके शासनकाल में एक उच्च अधिकारी सोमनाथ ने बारह सौ अड़सठ ईस्वी में सोमनाथपुरा में इसका क्या करवाया था निर्माण करवाया था तो तृतीय सा, के शासन काल में इसका निर्माण ये इनके शासन काल में हुआ था लेकिन करवाया किसने था इन्हीं का एक उच्च अधिकारी था सोमनाथ इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा था सोमनाथपुरा और ये सोमनाथपुरा कहाँ है मैसूर में है तो देखिए ग्यारह सौ सत्रह ग्यारह सौ इक्कीस और बारह सौ अड़सठ ये तीनों ऑर्डर आपको ध्यान में रखने हैं यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर स्थित ये नदियाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर अगर हम देवता की बात करें तो यह एक त्रिकूट मंदिर है इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के तीन रूपों अर्थात जनार्दन केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है यानी ये भी किस संबंधित है मंदिर ये भी भगवान कृष्ण से संबंधित है अब ऐसा नहीं अब यहाँ पर दे देखा कि यह एक त्रिकूट मंदिर है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश को समर्पित किया गया है नहीं गलत है ये तीनों ही रूप किसके हैं भगवान श्री कृष्ण के हैं होयसल मंदिर स्थापत्य शैली की यदि हम बात करें तो होयसल मंदिर समूह मंदिर निर्माण की मिश्रित या बेसर शैली में निर्मित है किसमें है मिश्रित या बेसर शैली में इस शैली के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं अब देखेंगे बेसर शैली की जो, जो मिश्रित या बेसर शैली की विशेषताएं जो होती हैं वो क्या क्या हैं क्योंकि मिश्रित को ही हम क्या कहते हैं बेसर कहते हैं एक तो होता है आपका नागर शैली नागर शैली जिसका निर्माण किधर के किसके किधर के मंदिरों में किया था उत्तर भारत के मंदिरों में और एक है आपका द्रविड़ द्रविड़ शैली इसका यूज किया जाता है दक्षिण भारतीय मंदिरों में और इन दोनों को सम्मिलित रूप को कहते हैं संयुक्त रूप को कहते हैं बेसर या मिश्रित शैली तो जाहिर सी बात है दोनों की विशेषताएं विद्यमान होंगी इनमें अगर हम देखें इसकी इस शैली की मुख्य विशेषता देखें तो देखिए यह शैली द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रित रूप है इस शैली पर भूमिजा शैली का अत्यधिक प्रभाव है भूमिजा शैली उत्तर भारतीय शिखर का एक प्रकार है ध्यान रखेंगे जो भूमिजा ऐसे कर देगा कि भूमिजा का संबंध किससे है तो सीता जी से मत समझ लीजिएगा भूमिजा का संबंध मंदिर मंदिर की शैली से है ठीक है और ये उत्तर भारतीय शैली का एक वो है विशेषता है इसके अलावा कल्याणी चालूक्य क्षेत्र की कर्नाक द्रविड़ का अब ये कल्याणी जो है ये चालूक्य क्षेत्र की द्रविड़ का भाई इस पर प्रभाव यानी दोनों मिला जुला करके भूमिजा जो है और ये कल्याणी जो है इन दोनों का मिश्रित रूप यहाँ पर इसमें इस इसे जो मंदिर निर्माण है उसमें देखा जा सकता है मंदिर स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं यदि हम देखें तो इस शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर तारकी योजना में निर्मित होते हैं और ये जो तारकी योजना होता है ना ये द्रविड़ शैली की विशेषता है द्रविड़ शैली की विशेषता है मंदिर निर्माण में शैल खड़ी का उपयोग किया गया है शैल खड़ी क्या होता है मुलायम और नर्म होता है गर्भगिरी यह मंदिर का सबसे पवित्र भाग माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य देवता होते हैं उनको स्थापित किया जाता है मंडप या मंदिर का वह भाग है जहाँ लोग प्रार्थना करते हैं मंडल परिसर में वृत्ताकार स्तंभ भी बने हैं शीर्षकोश्चक चार मूर्तियाँ ये सब छोड़ दीजिए गोपुरम क्या है पूछ चुका है पी वाई क्यू है ये भव्य द्वार होता है गोपुरम काफ़ी ऊंचा होता है सब मंदिर प्रवेश द्वार से बड़ी सी ऊंची सी ये भी क्या है द्रविड़ का गोपुरम भी द्रविड़ शैली में ही पाया जाता है यहाँ पर फिर कुछ डिजाइंस ऐसे बनाए गए होंगे यहाँ पर ठीक है तो ये गोपुरम होता है आपका विमान मूर्तिकला साल भंजिका या मूर्तिकला के एक सामान्य शैली विमान या मंदिर के भी यह भीतर से सामान्य लेकिन बाहर से भव्य रूप में सुसज्जित है अन्य विशेषताएँ इसके छत पर टोडा गुम्बद बने हुए हैं तो शहर से बात है गुम्बद तो, तो होगा ही ठीक है तो ये चीज़ें जो हाईलाइट किया गया है वो देखना है आपको उसके बाद से फिर उत्पत्ति की यदि हम बात करें होसल राजवंश की उत्पत्ति की बात करें हालांकि यहाँ से तो नहीं पूछेगा आपका जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से पूछेगा लेकिन इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं इसको भी देख लेते हैं उत्पत्ति यह कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र का वह मूलवासी माना जाता है मलनाड क्षेत्र का मूलवासी माना जाता है किसको होसल राजवंश को हालांकि कुछ अभिलेख में उन्हें उत्तर भारत के यादव वंश के साथ भी जोड़ा जाता है संस्थापक यदि हम बात करें होसल राजवंश के संस्थापक की बात करें कौन था राजा नृप काम द्वितीय ये इंपॉर्टेंट है उसने पश्चिमी गंग राजवंश के साथ गठबंधन बनाया था शासनकाल कब से कब तक रहा दसवीं शताब्दी से लेकर के चौदहवीं शताब्दी तक राजधानी बेलूर थी जिसे बाद में द्वार समुद्र कहा गया तो होयसलों की राजधानी कहाँ है द्वार समुद्र पूछ चुका है पी वाई क्यू है पी सी एस का ठीक है बेलूर था पहले बाद में इसे द्वार समुद्र स्थानांतरित कर दिया गया था साम्राज्य विस्तार की यदि हम बात करें तो कर्नाटक से तमिलनाडु तक था प्रमुख शासक ये जो चीज़ें होती हैं ना ये मीन्स में काम आती हैं मींस में आप मैपिंग बना करके दिखा सकते हैं प्रमुख शासक यदि हम बात करें तो विष्णुवर्धन रॉय थे इनके शासनकाल में कर्नाटक क्षेत्र में भी श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव बहुत बढ़ गया था तथा श्री वैष्णववाद अत्यधिक लोकप्रिय होने लगा था वैष्णवयाद यानी विष्णु से संबंधित इसने तलकाडु के युद्ध में गंगवाड़ी से चोलों को निष्कासित कर दिया था किसने तो हौसलों ने ठीक है और तलकाडू का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था तो चोलों और होसलों के बीच में और उसके बाद से उन्होंने तल तलकाडू गुंडा की उपाधि धारण की थी किसने विष्णु वर्धन ने आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तलकाडु गुंडा की उपाधि धारण की थी तो वो किए थे विष्णु विष्णु वर्धन ठीक है दूसरे यदि हम प्रमुख शासक की बात करें तो वो थे वीर बल्लाल द्वितीय होयसलों को चालुक्य की अधीनता से मुक्त कराया और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी किसने इसने वीर बल्लाल ने प्रशासन नाडुओं वैसल साम्राज्य को अगर हम क्रम से देखें तो यह नाडुओं कंपन विषय और देश में विभक्त था यह भी इम्पोर्टेंट है पूछ लेता है कि प्रशासन की इकाई क्या थी ठीक है साम्राज्य किस में विभाजित था विभक्त था तो नाडू कंपन विषय देश नाडू ग्राम होता था ध्यान रखेंगे पहले देश आएगा उसके बाद से विषय आएगा जिला उसके बाद से कंपन आएगा और उसके बाद से नाडू आएगा पतन कैसे हुआ था तो मथुरे के युद्ध में मारा गया कौन वीर बल्लाल लाल हरिहर प्रथम ने हौसल साम्राज्य के संप्रभु क्षेत्र को तुंगभद्रा नदी क्षेत्र में अपने प्रशासन के अधीन क्षेत्र में विलय कर लिया यानी हरिहर जो प्रथम था हरिहर बुक्का वगैरह थे ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो वही इन्होंने क्या किया था हौसल साम्राज्य के संप्रभु क्षेत्र को तुंग भ्रता नदी क्षेत्र से अपने प्रशासन के अधीन विलय कर लिया था तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही चैप्टर अब मंदिरों के बारे में देख लेते हैं तो कुरा, कुरार कोड़ार्क सूर्य मंदिर ये कोड़ार्क सूर्य मंदिर जो था ये करंट्स में क्यों रहा था तो जब जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन हुआ था तो जितने भी विश्व के नेता आए थे उनके सामने कोड़ार्क सूर्य मंदिर के पहिए पर उत्कृत चित्र का प्रदर्शन किया गया था ध्यान रखेंगे इसलिए ये करंट्स में रहा है और चूंकि ये जी ट्वेंटी से जुड़ा हुआ है तो क्या पता क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कोड़ार के सूर्य मंदिर के बारे में यदि हम देखें तो कोड़ार के सूर्य मंदिर सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है आप सभी को पता है यह मंदिर ब्लैक पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है कोड़ार्क सूर्य मंदिर के पहिए का निर्माण तेरहवीं शताब्दी में पूर्व गंगवंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था तो किसने करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने ठीक है यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है यह पूछ चुका है कहाँ पर है ये पहिए सूर्य की खगोली गति को दर्शाने के लिए बनाए गए हैं मंदिर का निर्माण किससे किया गया किससे नहीं ये छोड़ देना है आपको अब ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है आपको कि कड़ार के सूर्य मंदिर के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ के पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है यानी पत्थरों पर जो उत्कीर्ण जितनी विचित्र वगैरह हैं वो मनुष्यों के भाषा की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो सभी चीज़ों को समेटे हुए वहाँ की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सारी चीज़ों को बताती हैं भारत में अन्य प्रमुख मंदिर की यदि हम बात करें अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपका पूछा था 2023 में कि कहाँ पर कौन सी मंदिर है मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है यह है जम्मू कश्मीर में यही पूछा था ये भी था कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है उत्तराखंड में सूर्य पहर मंदिर कहाँ है असम में दक्षिण दच्चिड, दक्षिणार्क सूर्य दक्षिणार्क सूर्य मंदिर ये देखिए ये तो दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि बिहार में होगा एक तो ये पूछा था एक असरवल्ली पूछा था और मोढ़ेरा पूछा था और एक आधा ऑप्शन था मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है लेकिन इतना मुझे पता है कि ये पी वाई क्यू में था ये दो ऑप्शन तो हंड्रेड परसेंट थे मारतंड वाला और अरसावली वाला ठीक है उसके बाद से यह अरसावल्ली नारायण मंदिर कहाँ पर है ये आंध्र प्रदेश में है और ये सारे सूर्य मंदिर ही हैं ध्यान रखेंगे यही पूछा था कि किस देवता से संबंधित है ठीक है सूर्यनार कोबिल ये तमिलनाडु में है और मोढ़ेरा आप सभी को पता है गुजरात में है ब्राह्मण देव मंदिर ये कहाँ पर है मध्य प्रदेश में है आप देख सकते ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई गारंटी नहीं आपका क्वेश्चन कहां से पूछ ले ये तो पूछ लिया है खाखरा जगमोहन सब किसी संबंधित है ये मंदिर तो काल की तो यदि कलिंग कला में निर्मित है कौन सा मोडेरा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन सभी मंदिरों के बारे में नहीं ओनली मोडेरा के बारे में पढ़ रहे हैं सॉरी के बारे में मोढ़ेरा नहीं के ठीक है प्रवेश द्वार मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार गज हाथी पर शेर की मूर्ति से सुसज्जित है यहाँ गज का अर्थ है हाथी और सिंह का अर्थ है सिम्मा द्वार अर्थात शेर पौराणिक कथाओं के अनुसार शेर अहंकार का और हाथी धन का प्रतीक है ये दोनों ही मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं मतलब कितना शानदार तरीके से इस मंदिर के स्थापत्य शैली को बताया गया है और यही बात कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने कि यहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है यानी बहुत अच्छे तरीके से यह दर्शाया गया है कि शेर अहंकार का प्रतीक होता है और हाथी धन की प्रतीक होती है और मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण यही है ठीक है गजब का दिया है यहाँ पर ये निष्कर्ष में यदि आप लिख देना कि इसे अगर आ जाए तो मंदिर स्थापत्व को लेकर के बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर आपका निष्कर्ष दिखेगा नाट्य मंडप छोड़ देना है जगमोहन ये मंदिर की सभा कक्ष होती है पूछ चुका है देउल जगमोहन के बाद देउल अब ये कि, कितना है क्या नहीं है किसके बाद क्या है ये नहीं पूछेगा बस पूछ लिया था इतना कि जगमोहन का देउल का भोग का संबंध किससे है तो ये मंदिर स्थापत्व कला से संबंधित है मंदिर की स्थापत्य विशेषताएं देखें तो सूर्य की किरणें इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूर्यदेव के समय सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह और इष्ट देव पर पड़े रथ की योजना कुड़ार के सूर्य मंदिर की योजना सूर्यदेव के रथ के समान है ये सब भी छोड़ दीजिए इतना तो लगा ही लेंगे मंदिर है तो जाहिर सी बात है उस टाइम में इतनी तकनीकी थी कि लोग ऐसा किए होंगे कि पहली किरण जो है वो गर्भगृह और इष्ट देवता पर पड़े रथ मंदिर के पहिए इसी पहिए का प्रदर्शन किया गया था इसको देखते हैं इस पर क्या क्या है पहियों की परिधियाँ पक्षियों जानवरों पर्ण समूह की नक्काशी से अलंकृत हैं पहियों की तिलियों में बने चित्र फलकों पर अलग अलग विलासितापूर्ण मुद्राओं में महिला आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं सात घोड़े हैं सातों घोड़ों को गायत्री उश्क अनुस्तूव बृहति पंगति त्रिस्पटु जगपति नाम से नाम दिया गया संभत वेदों के पवित्र अभी इतना ध्यान नहीं रखना आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहिए पर सात घोड़ों को बनाया गया है इन सातों घोड़ों के नाम इंद्र धनुष के सात रंगों पर आधारित है छोड़ दीजिए ये भी नहीं आपको देखना है मंदिर में नक्काशी युद्ध अश्व कोडार्क मंदिर के दक्षिण दिल ये ये भी नहीं हाँ बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो कुड़ार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा सरकार ने अपने के चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया है ये इम्पोर्टेंट है ठीक है फिर इसे छोड़ देना है अब यहाँ पर आते हैं, ऊपर थोड़ा सा छोड़े हैं जो हम ये कलिंग स्थापत्य शैली क्या है तो प्रकृति यदि हम इसकी देखें तो मंदिर निर्माण की कलिंग कलिंग स्थापत्य शैली उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है ये देखिए कलिंग शैली नागर और द्रविड़ की मिश्रित रूप है जिसे भेषा शैली भी कहते हैं भैसा शैली भी इन्हीं दोनों का मिश्रित रूप है विशिष्ट स्थापत्य कला शैली कलिंग शैली में निर्मित मंदिरों में से दो विशिष्ट संरचनाएँ होती हैं एक गर्भगृह देउर और एक सबायन जगमोहन तो छोड़िए इतना ध्यान नहीं रखना बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो कलिंग स्थापत्य शैली थी पहले इन मंदिरों में जगमोहन संरचना नहीं होती थी पहले पूर्व के मंदिरों में कह देगा कि पूर्व के मंदिरों में से लेकर के वर्तमान तक के मंदिरों में जो ये जगमोहन संरचना है वो व्याप्त थी या होती थी तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि नहीं पूर्व के जो मंदिर होते थे, थे उसमें जगमोहन की संरचना नहीं होती थी फिर ये छोड़ देना है अच्छा ये थोड़ा तो सा देख लीजिएगा कलिंग स्थापत्य शैली को सम्मानता तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है रेखा देउल पीढ़ा देउल खाकरा अच्छा यही सेम यही पूछा था उठा करके स्टेटमेंट दे दिया था सेम यही का यही कि इसका संबंध किससे है तो मंदिर स्थापत्य शैली से था ठीक है और ये कलिंग स्थापत्य की भी है ध्यान रखिएगा रेखा देउल पीढ़ी देउल या भद्र देउल तक खाकरा देउल ये देखिए यहाँ पर दिया रेखा देउल ठीक है और बाकी तो देख लीजिएगा आप लोग अब कु पूर्वी गंग राजवंश के बारे में देख लें तो पूर्वी जो गंग राजवंश था इसके संस्थापक कौन थे वो थे कर्मण देव कर्मण सॉरी कमणराव ठीक है समायावधि नहीं देखना है राजधानी बस देखना है कलिंग नगर थी वर्तमान क्षेत्र ये कहाँ है उड़ीसा बस और इसके बाद से भारी आक्रमण और आंतरिक संघर्षों के कारण इसका पतन हुआ जिससे विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था ठीक है पूर्वी गंगा राजवंश के बाद से विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था शारदा मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टिटवाल गांव में नियंत्रण रेखा के करीब यानी एलओसी के करीब नव निर्मित शारदा देवी मंदिर में नवरात्रि पूजा का आयोजन किया गया है और इसलिए ये था हाईलाइटेड like तो अब ये किस जिले में है किस गांव में है इतना ध्यान नहीं रखना है बस इतना ध्यान रखना है कहाँ पर जम्मू कश्मीर में यह मंदिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की नीलम घाटी में स्थित पारंपरिक शारदा देवी पीठ की ओर से जाने जा जाने वाले मार्ग पर अवस्थित है किसमें नीलम घाटी शारदा देवी पीठ के बारे में यदि हम देखें तो तीन प्रमुख तीर्थस्थलों में से ये एक है अन्य दो प्रमुख तीर्थस्थल कौन कौन से हैं मारतंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ मंदिर मारतंड सूर्य मंदिर से काफ़ी मिलता जुलता है ये प्रसिद्ध विद्वान और यात्री अलबरूनी ने मंदिर का उल्लेख एक प्रतिष्ठित पूजनीय स्थल के रूप में किया था किसने किया था अलबरूनी ने अलबरूनी ने शारदा देवी पीठ का महत्व तो ये अट्ठारह महाशक्ति पीठों में से एक है यह हिंदू देवी सरस्वती को समर्पित है किसको समर्पित है सरस्वती को ना कि पार्वती को यहाँ पर दे देगा कि ये पार्वती को समर्पित है लेकिन माँ शारदा तो आप सभी को पता सरस्वती को ही कहते हैं देवी शारदा कश्मीरी पंडितों की कुल देवी हैं कई लोग देवी को कश्मीरा पूर्वासिनी के नाम से भी जानते हैं शैक्षिक महत्व की यदि हम बात करें तो यह पीठ वैदिक ग्रंथ हो शास्त्रों टीकाओं तो इतना ध्यान नहीं रखना इसको छोड़ देना है इसे भी छोड़ देना है कितने विद्यार्थी थे कितने नहीं इससे मतलब नहीं है बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्रसिद्ध विद्वान थे आदि शंकराचार्य ने इसमें अध्ययन किया था और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि श्री राम मनुजाचार्य ने भी शारदा पीठ का भ्रमण किया था और इसी जगह अपने ग्रंथ श्री भा भाभाष्य की रचना की थी तो इन्होंने तो अध्ययन किया था लेकिन ये क्या किए थे भ्रमण किए थे और श्री भाष्य रचना किसने की थी तो श्री रामानुजाचार्य ने और ये वैष्णो परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे कौन तो श्री रामानुजाचार्य आगे देखिए और मंदिरों को यहाँ पर देखिए मैप दिया हुआ है भारत में स्थित ज्योतिर्लिंग के बारे में तो इसे आप देख लेंगे एक बार ऐसे ही ठीक है फिर आगे देखते हैं ये जो मैप में दिया था उसी के बारे में है त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में देखें तो भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है ज्योतिर्लिंगों के हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है यहाँ से गोदावरी नदी बहती है कहाँ से तो ये जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है यहाँ इसका निर्माण तीसरे पेशवाबाजी बालाजीबाजी राव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था शब्द त्र्यंबक त्रिदेवो यानी भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान महेश को इंगित करता है अब यहाँ पर ये तीन चीज़ें आई हैं केशव मंदिर में वो तीनों भगवान विष्णु के रूप थे ठीक है और यहाँ पर देखिए ये त्रिदेव यहाँ त्र्यंबक का मतलब है त्र्यंबकेश्वर मंदिर तो त्र्यंबक का मतलब है त्रिदेव जिनमें ब्रह्मा विष्णु और महेश सब हैं यह मंदिर स्थापत्य की नागर शैली में निर्मित है ध्यान रखेंगे नागर शैली में निर्मित है इसका निर्माण काले पत्थर से किया गया है यह ज्यादातर भारत के उत्तरी भागों में प्रचलित शैली है तो वो मैंने बता दिया आपको नागर शैली तो ये देखिए त्रम्बकेश्वर मंदिर कहाँ पर है इसे देखिए ये रहा नासिक महाराष्ट्र में उत्तर भारत तो ये नागर शैली ही होगा ठीक है उसके बाद से है तुंगनाथ मंदिर अब ये तुंगनाथ मंदिर यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत लिया गया है यहाँ पर फोटो तुंगनाथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है तो ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है ठीक है एक मान्यता के अनुसार पांडव अर्जुन ने इस मंदिर की नींव रखी थी यह दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है और इसे तृतीय केदार कहते हैं ठीक है तो यहाँ से ये दोनों तीनों चारों फैक्ट को ध्यान में रखना है बाकी ये छोड़ देना है जागेश्वर मंदिर और पार्वती कुंड के बारे में देखें तो जागेश्वर मंदिर जटा गंगा नदी के पास स्थित है यहाँ शिव मंदिर अलग अलग देवताओं के यहाँ स्थित शिव मंदिर अलग अलग देवताओं के सौ से अधिक प्राचीन लघु मंदिरों से घिरा हुआ है इसे छोड़ देना है ये मंदिर गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकाल है। के हैं कत्यूरी राजवंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था ये ध्यान रखना है थोड़ा सा स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा सबसे पहले जागेश्वर से आरंभ हुई थी यह क्षेत्र भगवान शिव की पूजा करने वाले पुनरुत्थनवादी संप्रदाय लकुवि सेवाद का भी केंद्र था पार्वती कुंड वह स्थान माना था जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती ने ध्यान किया था यह स्थान लगभग अब कितने फीट की ऊंचाई पर है कितना नहीं यह ध्यान नहीं रखना है मुझे इतना ध्यान रखना है ये जो जो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं वैसे इनका लोकेशन ही पूछेगा इतना अंदर जा कर के नहीं पूछेगा आपसे फिर श्री सीताराम स्वामी मंदिर त्रिशूर केरल में है ये यह त्रिशूरपुरम की सभी पूरम की जननी माना जाता है इसे यह त्रिशूर के वडकुल ना, कुलनाथ मंदिर में हर साल मनाया जाता है यह मंदिर भगवान सीताराम भगवान अयप्पा और भगवान शिव को समर्पित है तो ये जो त्रिशूर पूरम मंदिर है ये किसको किसको समर्पित है ये ध्यान में रखना है ठीक है और यहाँ पर केरल की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया गया है देख लीजिए ये मंदिर है फिर है तिरुनेल्ली मंदिर ये भी कहाँ है केरल में ही है यह मंदिर पारंपरिक केरल स्थापत्य कला शैली में निर्मित है यह केरल के वायनाड में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास पापनासनी नदी के तट पर स्थित है कहाँ पर पापनासनी नदी के तट पर इस प्रकार यह मंदिर त्रिदेवो यानी शिव विष्णु और ब्रह्मा से धन्य है तो ध्यान रखेंगे इस मंदिर का लोकेशन तो इस तरीके से आज हमने ये देख लिया बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे स्थापत्य एवं मूर्तिकला के बारे में तो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उसे आप नोट डाउन कीजिए और रिविज़न करते रहिए थैंक यू